अब लगातार दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। सैनी ने गुरुवार को हरियाणा मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर ली है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने नायब सैनी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। वहीं नायब सैनी के बाद कैबिनेट मंत्री बनने वाले विधायकों को शपथ ग्रहण करवाई गई। अनिल विज समेत 11 विधायकों को कैबिनेट मंत्री के रूप में नायब मंत्रिमंडल में जगह मिली है, तो वहीं 2 विधायक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए गए हैं। हरियाणा की इस नई सरकार के गठन के लिए शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला में आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्रियों के साथ एनडीए बीजेपी शासित विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और कई शीर्ष नेताओं और वीआईपी हस्तियों की मौजूदगी रही। इस दौरान पीएम मोदी का संबोधन नहीं हुआ, यह माना जा रहा था कि पीएम लोगों को संबोधित करेंगे। आपको बता दें, सबसे पहले अनिल विज अंबाला कैंट से विधायक ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली और इसके बाद फिर इसराना से विधायक कृष्णलाल पवार, बादशाहपुर से विधायक राव नरबीर सिंह, पानीपत ग्रामीण से विधायक महिपाल ढांडा, फरीदाबाद से विधायक विपुल गोयल, गोहाना से विधायक डॉक्टर अरविंद शर्मा, रादौर से विधायक श्याम सिंह राणा, बरवाला से विधायक वीर सिंह गंगवा, नरवाना से विधायक कृष्ण कुमार वेदी, तोशाम से विधायक श्रुति चौधरी, अटेली से विधायक आरती राव ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। हरियाणा में जिन 2 विधायकों को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में दिलवाई गई है, उनमें तिगांव से विधायक राजेश नागर और पलवल से विधायक गौरव गौतम का नाम शामिल है। सबसे पहले राजेश नागर ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में शपथ ली, इसके बाद गौरव गौतम ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में शपथ ग्रहण की। मंत्रिमंडल में जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण साधने की पूरी कोशिश की गई है। फिलहाल नायब सरकार का मंत्रिमंडल पूरा हो गया है। आपको बता दें, हरियाणा मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री समेत अधिकतम कुल 14 मंत्री ही रह सकते हैं। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।